डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा आरसीसी ड्राइंग में वन वे स्लैब की ड्राइंग। तो सबसे पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कि ये स्लैब क्या होता है, और उसके बाद मैं आपको इसकी पूरी ड्राइंग बताऊंगा एमडी से। तो मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि स्लैब क्या होती है। जो हमारी कोई भी बिल्डिंग होती है, उसके छत को पाटने के लिए, ढालने के लिए, ढकने के लिए जो चपटी पट्टियां इस्तेमाल की जाती हैं, उन्हें ही स्लैब बोलते हैं। जिसको हम लोग नॉर्मली छत बोलते हैं, छत की जो पट्टियां होती हैं उन्हीं को हम लोग स्लैब बोलते हैं। तो ये तीन टाइप की स्लैब हमें ड्राइंग में पढ़नी है, जिसके बारे में मैं अभी आपको बताऊँगा। तो जल्दी से आप लोग चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो में अंत तक बने रहें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। तो आइए मैं आपको बताता हूँ ये स्लैब। स्लैब अभी मैंने आपको बताया कि जो स्लैब होती है हमारी, वो किसी भी बिल्डिंग के, किसी भी भवन के जो छत होती है उसको ढकने के लिए, पाटने के लिए जो चपटी पट्टियां प्रयोग की जाती हैं उन्हें बोलते हैं। अब ये स्लैब, जैसे ये इस प्रकार से हमारी कोई छत है जिसको ढकने के लिए हमने ये इस प्रकार से एक स्लैब, जिसमें ये छड़ों को मैंने दिखाया है, ये छड़े होती हैं हमारी स्लैब में। तो इसमें दो स्पैन होते हैं, एक होता है हमारा लॉन्ग स्पैन, जिसकी लंबाई ज्यादा होती है, जो हमारे छत की दो दीवारों के बीच की जो लंबाई अधिक होती है उसको लॉन्ग स्पैन बोलते हैं। आपने देखा होगा छतों में, किसी रूम के छत में देखा होगा आपने। और एक जो लंबाई होती है ये छोटी होती है, तो इसको हम लोग शॉर्ट स्पैन बोलते हैं। लॉन्ग स्पैन यानी कि जिसकी लंबाई अधिक हो स्लैब में, और शॉर्ट स्पैन यानी कि जो स्लैब होती है हमारी उसमें जो छोटा स्पैन हो उसको शॉर्ट स्पैन बोलते हैं। हमने इसको कैपिटल एल मान लिया है लॉन्ग स्पैन को, और शॉर्ट स्पैन को कैपिटल बी मान लिया है। तो वन वे स्लैब क्या होता है? हमारी जो स्लैब होती है वो तीन तरह की होती है, एक वन वे स्लैब, एक टू वे स्लैब, और तीसरी कैंटिलीवर स्लैब। तो वन वे स्लैब में होता क्या है, लॉन्ग स्पैन और शॉर्ट स्पैन यानी कि एल कैपिटल एल लॉन्ग स्पैन और शॉर्ट स्पैन कैपिटल बी, इसका जो रेशियो होता है, इसका जो रेशियो होता है हमेशा अधिक होता है या फिर बराबर होता है दो के। क्या होता है? दो के बराबर या दो से अधिक होता है। जैसे हम कहें कि कोई स्लैब है जिसका, जैसे यहां पे हमने दिया है आरसीसी स्लैब जिसका साइज हमने दिया है 4 मीटर × 8 मीटर। तो 8 मीटर क्या है? लॉन्ग स्पैन है। तो 8 मीटर और अपान 4 मीटर जो हमारा शॉर्ट स्पैन है 4, अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 2 के बराबर आ गया। हमने बताया कि लॉन्ग स्पैन और शॉर्ट स्पैन का जो रेशियो होगा या तो अधिक होगा या फिर बराबर होगा, किसके? 2 के। तो ये कौन सी स्लैब हो गई? ये वन वे स्लैब हो गई। आई बात समझ में? ऐसे ही टू वे स्लैब होता है। जो टू वे स्लैब होता है उसमें लॉन्ग स्पैन और जो शॉर्ट स्पैन होता है, यानी कि जो लंबा फैलाव होता है और ये छोटा वाला फैलाव होता है, इसका जो अनुपात होता है एल अपन बी का, ये हमेशा कम होता है, किससे? 2 से। लॉन्ग स्पैन और शॉर्ट स्पैन का जो रेशियो होता है क्या होता है? हमेशा 2 से कम होता है। जैसे एक स्लैब की बात करें जिसकी डायमेंशन मान लीजिए 4 मीटर × 6 मीटर है ये, तो इसको जब निकालेंगे तो ये टू वे स्लैब होगी कि वन वे स्लैब होगी, कैसे ज्ञात करेंगे? तो 6 मीटर लॉन्ग स्पैन है यानी कि बड़ा वाला स्पैन है, और 4 मीटर छोटा वाला स्पैन है। तो ये हम देख रहे हैं कितना आ गया, 1.5 आ गया। अगर इसको डिवाइड करेंगे 6 को 4 से तो 1.5 आ गया, यानी कि ये 2 से क्या है? छोटा है। 1.5 क्या है? 2 से कम है। तो क्या हो गया, ये जो हमारी स्लैब होगी ये कौन सी होगी? 2 वे स्लैब होगी। और कैंटिलीवर स्लैब क्या होती है? कैंटिलीवर स्लैब हमारी एक साइड में सपोर्ट पे खड़ी होती है, उसको हम लोग कैंटिलीवर स्लैब बोलते हैं। तीन टाइप के स्लैब हमको ड्राइंग में पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं आपको ड्राइंग बताऊंगा वन वे स्लैब की। तो वन वे स्लैब की ड्राइंग हम लोग आइए बनाते हैं, जिसका क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है। इसमें दिया है आरसीसी जो स्लैब होती है वो 4 मीटर × 8 मीटर का आपके क्वेश्चन में शो हो रहा है।
स्टूडेंट्स हो सकता है आपको डेटा दिया रहे या ना दिया रहे, अगर नहीं दिया रहेगा तो आपको टोटल डेटा क्या करना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा या अज्यूम करना पड़ेगा, अपने से मानना पड़ेगा। तो हमने इसमें देखा है कि आरसीसी स्लैब 4 मीटर × 8 मीटर की है, उसके बाद जो स्लैब की दीवार है जिस दीवार पे स्लैब टिकी है वो दीवार की मोटाई 400 mm, स्लैब की जो बियरिंग है, बियरिंग का मतलब होता है स्लैब कितनी दीवार पे चढ़ी हुई है, तो 150 mm क्या है स्लैब जो है दीवार पे चढ़ी हुई। आपने देखा है जो छत होती है उसको बनाते हैं तो दीवार पे कुछ हिस्से पे हम लोग उसको चढ़ा के ढालते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं स्लैब बियरिंग। 150 mm अधिक हम लोग दीवार पे उसको चढ़ा के ढाले हैं ताकि क्या हो सके वो उस पर टिकी रहे। उसके बाद स्लैब की मोटाई जो थिकनेस है स्लैब की मोटाई वो 150 mm दिया है। मेन बार्स जो है मुख्य छड़ें जो उसमें लगेंगी, मेन बार्स वो कितने की 16 mm डायमीटर की हैं, 16 mm डायमीटर की हैं और 200 mm सेंटर टू सेंटर हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि 200 mm की दूरी पे लगाई गई हैं, जैसे दो छड़ों के बीच में जो दूरी होती है उसकी बात किया जा रहा है। और अल्टरनेट बेंट एट L/7, L क्या होता है हमारा इफेक्टिव स्पैन होता है जिसके बारे में आप जानते हैं, तो इफेक्टिव स्पैन का 7वां भाग करेंगे तो उतने पे क्या किया जाएगा बेंट किया जाएगा जो मेन बार्स होती हैं उनको, किसमें वन वे स्लैब में। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन बार्स जो वितरण छड़े होती हैं वो कितनी है 8 mm डायमीटर की और 250 mm सेंटर टू सेंटर लगाई गई हैं। उसके बाद कुछ डेटा हमें अज्यूम करना पड़ता है जैसे कवर, कवर का मतलब होता है कितनी जगह छोड़ के और छड़ को लगाया गया है स्लैब में, कितना अंदर तक हमारा क्या है छड़ लगाई गई है तो 20 mm दिया है और एंड एज आपका 25 mm दिया गया है। स्केल हम एक ले लेते हैं 1:20 का इसको बनाने के लिए, तो 1:20 के स्केल पे हम इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। तो सामने से जब देखेंगे तो छोटे वाले स्पैन को हम लोग मान ले रहे हैं कि दिखाई देगा, 4 मीटर वाला स्पैन हम मान ले रहे हैं कि हमें दिखाई देगा, तो इसको हम लोग बनाएंगे। तो 4 मीटर है तो 4 मीटर को हम लोग स्केल पर चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 मीटर, इसको स्केल पर आइए चेंज कर लेते हैं। 4 मीटर को जब स्केल पर चेंज करेंगे तो 4 मीटर को सबसे पहले सेंटीमीटर में बदल लेंगे, तो 4 × मीटर है, सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे तो ये आपका 400 सेंटीमीटर आ जाएगा। और इसको डिवाइड कर देंगे कितने से, जो स्केल होती है उसी से डिवाइड कर देते हैं, तो 20 की स्केल है तो 20 से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो ये 20 mm आ गया। हमने क्या बताया आपको 4 मीटर है स्केल पर चेंज किया तो 20 सेंटीमीटर आ गया, सॉरी 20 सेंटीमीटर होगा, तो ये 20 सेंटीमीटर की एक लाइन हम लोग क्या कर लेंगे खींच लेंगे। तो आइए 20 सेंटीमीटर की लाइन हम लोग क्या कर लेते हैं खींच लेते हैं, तो ये यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं, ये हमने क्या किया एक 20 सेंटीमीटर की लाइन इस प्रकार से खींच लिया। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ पे हम लोग दीवार बनाएंगे, तो आइए यहाँ पे वाल बना देते हैं इस प्रकार से दोनों साइड में खींच देंगे ये। उसके बाद जो दीवार है वाल उसकी मोटाई 400 mm दिया है तो 400 mm को स्केल पर चेंज कर लेंगे, 400 / 20 mm में है तो ये mm में आएगा यानी कि 20 mm आ गया, तो 20 mm इसकी मोटाई, 20 mm का मतलब होता है आपका 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर के बराबर हमारी होती है। इसको क्या कर लेंगे यहां से पॉइंट करके इसको खींच लेंगे ये इस प्रकार से दोनों साइड में, ये दीवार को हम लोग खींच लेंगे 20 के बराबर, 20 mm यानी कि 2 सेंटीमीटर होगा, ये हमने इस प्रकार से खींच लिया। उसके बाद स्लैब की बियरिंग यानी कि ये जो स्लैब है कितनी चढ़ी हुई है दीवार पे 150 दिया है, 150 mm को स्केल पर चेंज कर लेंगे, 150 / 20 ये आपका 7.5 mm आ गया, तो ये 7.5 mm हम लोग क्या कर लेंगे लगभग 8 mm के बराबर ले लेंगे, ये कितना तो लगभग 8 mm के बराबर इसको, ये हमारी जो स्लैब है दीवार पे चढ़ी होगी, इस साइड में भी लगभग 8 mm के बराबर हम लोग क्या कर लेंगे ये दीवार पे चढ़ा लेंगे। उसके बाद जो स्लैब की थिकनेस है ये भी 150 है, इसको भी स्केल पर चेंज करेंगे तो 7.5 के बराबर ही आएगा, तो ये 7.5 हम लोग क्या कर लेंगे इसको इस प्रकार से इसकी मोटाई खींच लेंगे, जो हमारी स्लैब है इसकी मोटाई कितनी 7.5
5, यानी कि लगभग 8 mm आप खींच लेंगे। कितना? लगभग 8 mm के बराबर खींच लेंगे। उसके बाद यहां इसको क्या कर देंगे, यहां पर इसको इस प्रकार से मिला देंगे। उसके बाद इस दीवार को भी इतना ही ऊपर ले जाके क्या कर देंगे, इसमें मिला देंगे। तो आइए ये दीवार को हम लोग मिला देते हैं इस प्रकार से। फिर दूसरे साइड में भी जो हमारी ये वाल है, इस दीवार को इसमें मिला देंगे। और नीचे इस दीवार को हम लोग क्या कर देंगे, नीचे यहां पे कैंटिन्यूअस कर देंगे। इस प्रकार से स्टूडेंट्स, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको आने वाले किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे और आपको बाकी अन्य सारी वीडियोस आपको आपकी फोर्थ सेमेस्टर की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, जिसको आप देख सकते हैं। मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे सब्सक्राइब करने के बाद, तो उसमें आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी जो भी आपकी आरसीसी ड्राइंग से रिलेटेड हैं। आरसीसी ड्राइंग से रिलेटेड वीडियोस भी मिल जाएंगी, पांचवे सेमेस्टर की भी आपको मिलेंगी, छठे सेमेस्टर की भी ड्राइंग आपको मिलेंगी। आप चौथे सेमेस्टर में हैं तो चौथे सेमेस्टर की जो आपकी ड्राइंग है उसमें आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो आइए अब इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद यहां पर इसमें कवर लगाएंगे। ये जो हमारा कवर है ये कवर प्रोवाइड करेंगे। कवर 20 mm का है तो 20 mm का कवर हम लोग क्या कर देंगे, प्रोवाइड कर देंगे। 20 mm को स्केल पर चेंज करेंगे तो 20 mm है, डिवाइड कर देंगे स्केल पर, 20 का स्केल है तो 20 से भाग दे देंगे, 1 mm के बराबर आया। तो ये 1 mm के बराबर हम लोग कवर छोड़ के ये यहाँ पर ये इस प्रकार से और इसको खींचेंगे। लेकिन ध्यान रखना ये है कि जो इंड एज है कवर, ये ऊपर नीचे का होता है और किनारे वाला जो होता है इसको इंड एज बोलते हैं। 25 mm दिया है, 25 mm को स्केल पर चेंज करेंगे, 25 डिवाइड कर देंगे 20 के स्केल पर, ये आपका 1.25 mm आ गया, यानी कि लगभग 1.5 mm, लगभग 1.5 mm किनारे से छोड़ेंगे और इसको भी क्या कर लेंगे, बना लेंगे। तो आइए बना लेते हैं। ये हमने क्या किया, ये इस प्रकार से, इस प्रकार से हमने इसको बना लिया। हमने क्या किया, नीचे से कवर छोड़ा 1 mm और किनारे से 1.5 mm के बराबर, 1.25 आया लेकिन 1.5 mm हम पूरा मान लेंगे और इसको क्या कर देंगे, इस प्रकार से खींच देंगे यहां से लेके मैंने कहा यहां से लेके यहां तक आपका ये 4 मीटर है। ये कितना है, ये आपका 4 मीटर है। तो जो इफेक्टिव स्पैन होता है ये 4 मीटर, और ये क्या होता है 4 मीटर, ये हमारा क्लियर स्पैन होता है। ये क्या होता है, इसको कैपिटल एल से डिनोट करते हैं, किससे, कैपिटल एल से। और इसी में जो इफेक्टिव स्पैन होता है हमारा, जो इफेक्टिव स्पैन होता है ये दोनों तरफ से आधा होता है। दोनों तरफ से कितना होता है, ये आधा होता है, ये यहां से लेके और यहां तक इफेक्टिव स्पैन क्या है, ये इफेक्टिव स्पैन, इसको स्मॉल एल बोलते हैं। और स्मॉल एल का मान कितना होगा, तो ये 4 मीटर पहले से था, 4 मीटर पहले से था और इधर 150 यहां तक गया है, तो 150 का आधा 75 और इधर 150 का आधा 75, 150 mm हो गया। तो 4 मीटर और उसमें 150 mm जोड़ देंगे तो ये 4.15 मीटर के बराबर हो जाएगा आपका। कितने के बराबर हो जाएगा, 4.15 मीटर की। जो इफेक्टिव स्पैन होता है ये यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक, इनका आधा होता है। इनका कितना होता है, आधा होता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो 4.15 मीटर आपका इफेक्टिव स्पैन हो गया। अब क्या करेंगे, जो इफेक्टिव स्पैन है एल, स्मॉल एल, ये आ गया 4.15 मीटर। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, ये जो मुख्य छड़ है, ये जो मेन बार है, ये
क्या हुई है, एल बाई सेवन पर बेंट हुई है। तो एल की वैल्यू हमें इतनी मिल गई, तो एल की वैल्यू हमें मिल गई 4.15 मीटर। तो 4.15 मीटर हमें मिली है, तो ये क्या कर लेंगे, 4.15 मीटर, मीटर है सेंटीमीटर में बदल लेंगे, तो ये 100 सेंटीमीटर हो गया, तो ये 415 मीटर आ गया, और सॉरी 415 सेंटीमीटर आ गया। और इसमें 7 से डिवाइड कर लेंगे, 7 से डिवाइड करना है, तो क्या कर लेंगे, L बाई 7 के लिए 7 से डिवाइड कर लिया हमने, ये आ गया हमारा 59.2857 इतना। और उसके बाद इसको स्केल पर चेंज करने के लिए क्या कर देंगे, 20 से डिवाइड कर देंगे, तो इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 20 से, तो ये हमारा आ गया, आपको दिख रहा है 2.96 सेंटीमीटर, यानी कि 2.9 सेंटीमीटर का मतलब लगभग 3 सेंटीमीटर के बराबर। तो ये लगभग 3 सेंटीमीटर के बराबर आ गया, तो इसको क्या कर देंगे, यहां पर लगभग 3 सेंटीमीटर के बराबर बेंट कर देंगे। तो यहां से ये जो आपका है, यहां से 3 सेंटीमीटर पे ये एक पॉइंट बना लेंगे और यहीं पे बेंट कर देंगे। दूसरे साइड से भी क्या करेंगे, लगभग 3 सेंटीमीटर पे ये एक पॉइंट बना लेंगे और यहीं से कितने पे, तो 45 डिग्री के एंगल पे, कितने पे, 45 डिग्री के एंगल पे इसको क्या कर लेंगे, बेंट कर लेंगे, ये इस प्रकार से। और उसके बाद इसको क्या कर देते हैं, उसके बाद इसको यहां पर इस प्रकार से उतना ही कवर छोड़ के और ये हम लोग इसको घुमा देते हैं। ठीक इसी प्रकार दूसरे साइड में भी क्या करेंगे, दूसरे साइड में भी 45, ये 45 के एंगल पे इसको क्या कर लेते हैं, बेंट कर लेते हैं, और यहां पे जितना कवर हम लोग नीचे छोड़े थे उतने ही कवर पे ऊपर से इसको इस प्रकार से ये हम लोग बेंट कर लेंगे। L बाई 7 पे हमने बेंट कर लिया। इसके बाद क्या करेंगे, इसमें जो हमारी बार्स हैं इनको प्रोवाइड कर देंगे। कौन सी, डिस्ट्रीब्यूशन बार्स, 8 mm डायमीटर की डिस्ट्रीब्यूशन बार्स हैं और 2 mm सेंटर टू सेंटर लगी हैं, तो इनको हम लोग क्या कर लेंगे, लगा लेंगे। तो आइए लगा लेते हैं, 250 mm सेंटर टू सेंटर हैं, तो ये 250 mm को जब स्केल पर चेंज करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 250 mm है, डिवाइड कर देंगे 20 के स्केल पर, तो ये आपका आ गया 12.5 mm। 12.5 mm की दूरी पर हम लोग क्या कर लेंगे, इनको डिवाइड कर लेंगे। तो आइए 12.5 की डिस्टेंस पे इसको क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। तो इसको क्या करेंगे, 12.5 mm इसमें हम लोग, आपको दिख रहा है, मेजर कर लेंगे 12.5 mm, ये हमने मेजर कर लिया, ये लगभग 12.5, और इसी से हम लोग क्या कर देंगे, 12.5 पे ये पॉइंट करते चले जाएंगे और इसको लगा देंगे, ये इस प्रकार से। स्टूडेंट्स वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो बिल्कुल समझ में आएगी और आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको आने वाले किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। और कमेंट जरूर करें, अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो कमेंट जरूर करें, जिससे मुझे भी पता चले कि आपको कहां पे कौन सी समस्या हो रही है। ये इस प्रकार से 12.55 mm पे हम लोग पॉइंट कर लेंगे और इसमें भी क्या कर लेंगे, बार्स को इस प्रकार से प्रोवाइड कर लेंगे। अब इसको क्या करेंगे, इसको यहां पर इस तरीके से जो बार्स हैं, जो दिखी हैं, इन बार्स को हम लोग लगा लेंगे, ये इस तरीके से, ये हमारे डिस्ट्रीब्यूशन बार्स हैं जो आपको दिखाई दे रही हैं। ये इस प्रकार से हमारी क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन बार्स हैं। ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया, जो सेक्शनल एलिवेशन है या एल सेक्शन है, किसका, वन वे स्लैब का।
तो आइए अब इसमें जितनी भी डायमेंशंस हैं उनको शो करा लेते हैं और जो भी हैचिंग वगैरह करनी है वो हैचिंग कर लेते हैं। तो आइए कर लेते हैं। तो इस प्रकार से ये जो आपका एल सेक्शन या सेक्शनल एलिवेशन है ये कंप्लीट हुआ। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं, सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने क्लियर स्पैन 4 मीटर का खींच लिया, यानी कि स्केल पर 4 मीटर को चेंज किया, 20 से डिवाइड किया 4 मीटर को, तो ये 20 सेंटीमीटर आ गया। 20 सेंटीमीटर की एक लाइन हमने यहां से लेके और यहां तक खींच ली। उसके बाद हमने क्या किया, यहां से लेके और यहां तक ये 150 mm बियरिंग खींच लिया, 150 mm को स्केल पर चेंज किया, 7.5 mm के बराबर है, 7.5 mm इधर, 7.5 mm इधर हमने बियरिंग खींच लिया। उसके बाद हमने क्या किया, दीवार की जो मोटाई है वो 400 mm दिया है आपका, ये 400, तो 400 को स्केल पर चेंज करके 2 सेंटीमीटर के बराबर हमने खींच लिया। नीचे हमने इसको कंटिन्यूस कर दिया, जो वाल की मोटाई है, वाल हमें कितनी लंबाई है इसे हमें पता नहीं है, तो इसलिए हमने इसको कंटिन्यूस कर दिया। उसके बाद जो स्लैब की मोटाई है, जो स्लैब की मोटाई है मैं आपको दिखा देता हूं, यहां से लेकर यहां तक ये स्लैब की मोटाई, ये आपका 150 mm दिया है, तो ये 150 mm हमने क्या कर लिया, खींच लिया, जो स्लैब है उसको ये 150 mm स्लैब की थिकनेस हमने खींच लिया। उसके बाद क्या किया, इसमें हमने 20 mm का कवर प्रोवाइड कर लिया, 20 mm कवर प्रोवाइड कर लिया, और उसके बाद ये मेन बार्स हमने लगा दिए। उसके बाद L/7 पे, कितने पे, L/7 पे इसमें बेंट अप बार्स लगा दिया। L क्या होता है, इफेक्टिव स्पैन, हमने बताया यहां से यहां तक जो क्लियर स्पैन है इसी में, ये जो हमारे यहां से लेके यहां तक 150 है इसका आधा, और फिर इस साइड में भी जो 150 है यहां से लेके यहां तक इसका आधा, यानी कि 300 का आधा 150 हो जाएगा, 150 इसी में जोड़ लिया, 4 मीटर में 150 mm जोड़ लिया, तो 4.15 मीटर आ गया। mm को मीटर में चेंज करेंगे तो 1.15 मीटर होगा, 4 मीटर और 0.15 मीटर यानी कि जोड़ देंगे तो 4.15 मीटर इफेक्टिव स्पैन आ गया। हमने क्या बताया, फिर से एक बार बता देता हूं, यहां से लेके यहां तक जो होता है दोनों साइड में, यहां से लेके यहां तक दोनों साइड में हमारी स्लैब बाहर निकली होती, तो एक साइड वाला ले लेते हैं, वही हमारी क्या होती है, हो जाती है हमारी इफेक्टिव स्पैन। तो यहां से लेके यहां तक एक साइड का हमने ले लिया, कितना आ गया, 150, उसमें जोड़ दिया तो 4.15 मीटर आ गया। तो L/7 निकालने के लिए L को, ये 4.15 को 7 से हमने डिवाइड किया और फिर उसको स्केल पर चेंज करने के लिए 20 से डिवाइड कर दिया, तो ये हमारा लगभग 3 सेंटीमीटर के बराबर आ गया। 3 सेंटीमीटर के बराबर से हमने क्या कर दिया, इसको बेंट कर दिया। उसके बाद इसमें डिस्ट्रीब्यूशन बार्स जो है हमारी 8 mm डायमीटर की, इनको लगा दिया, कितने डिस्टेंस पे, 250 mm पे, 250 को 20 के स्केल पर चेंज किया तो 12.5 mm आया, यानी कि 12.5 mm की डिस्टेंस से हमने क्या कर दिया, इनको प्रोवाइड कर दिया। और इसमें हमने दोनों साइड में एक एक्सपेंशन गैप दे दिया, आप देखे होंगे
आप जिस बिल्डिंग में रहते हैं या फिर जिस हॉस्टल वगैरह में रहते होंगे या फिर कॉलेज की बिल्डिंग के ऊपर जाएंगे तो देखेंगे दो स्लैब के बीच में एक ज्वाइंट दिया होता है। आपको मैक्सिमम मिल जाएगा देखने के लिए, जो कॉलेज की आपकी बिल्डिंग होगी या फिर हॉस्टल की बिल्डिंग होगी उसमें देखने को मिलेगा, गैपिंग होती है थोड़ी सी दो स्लैब के बीच में, उसको एक्सपेंशन गैप बोलते हैं। जब कभी गर्मी की वजह से फैलाव या सिकुड़न होती है तो उसको कवर करने के लिए एक्सपेंशन गैप दे दिया जाता है, ये हमने बना दिया। तो ये हमारा इस प्रकार से एल सेक्शन या सेक्शनल एलिवेशन दोनों में से कुछ भी पूछेगा तो आपका बन गया। अब इसका प्लान खींचेंगे, तो प्लान खींचने के लिए इन्हीं लाइनों का हम लोग क्या कर देंगे, प्रोजेक्शन खींच देंगे। तो आइए खींच देते हैं। ये जो हमारी वाल है इसी का प्रोजेक्शन इस प्रकार से हम लोग खींच देंगे। ये और इसको इस साइड में भी हम लोग क्या कर देंगे, खींच देंगे। इस साइड में भी इसी के ठीक प्रोजेक्शन पे हम लोग खींच देंगे इसको, ये इस प्रकार से, और इसको यहां पे क्या कर देंगे, मिला देंगे। जी आप सोच रहे होंगे मैं इसको कहां तक खींचा हूं, तो ये जो हमारी दूसरी वाली साइड में जब प्लान देखेंगे तो उसमें ये 8 मीटर दिखाई देगा। 8 मीटर के पास हमारे पास या आपके पास जगह नहीं होगी, तो इसलिए हम इसको क्या कर देंगे, यहां पे कैंटिनिवस कर देंगे। यहां पे क्या कर देंगे इसको हम लोग इस तरीके से कैंटिनिवस कर देंगे। मैं भी कैंटिनिवस कर रहा हूं, आप भी क्या कर देंगे यहां पे इसको इस तरीके से कैंटिनिवस कर देंगे। ये लंबाई आप कितनी भी ले सकते हैं, 8 मीटर है तो 8 मीटर अगर पूरा ले लेंगे तो कैंटिन्यूअस नहीं करेंगे, 8 मीटर पूरा नहीं ले रहे हैं तो इसको क्या करेंगे, कैंटिन्यूअस यहां कर देंगे। मैंने मान लिया है यहां से यहां तक इसको लगभग 8 सेंटीमीटर खींच लिया है, 8 सेंटीमीटर के बराबर, हालांकि 8 सेंटीमीटर नहीं आएगा, मैंने यहां पर कैंटिन्यूअस कर दिया है, आप जितना भी चाहे ले सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, इसका ये यहां से इसका हम लोग प्रोजेक्शन खींच देंगे इस प्रकार से, इस प्रकार से, और ये जितना है ये देखिए लगभग लगभग कितना है, लगभग आपका 1 सेंटीमीटर के बराबर है। तो 1 सेंटीमीटर ऊपर से भी छोड़ के, 1 सेंटीमीटर ऊपर से भी ये छोड़ के इसको क्या कर देंगे, खींच देंगे। ये इस साइड से भी 1 सेंटीमीटर छोड़ेंगे और इसको खींच देंगे इस प्रकार से, और यहां पे खुद ही इसका प्रोजेक्शन आके आपको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा ये। उसके बाद चारों तरफ इसमें एक्सपेंशन गैप जो है इसको दिखा देंगे, ये एक्सपेंशन गैप को मैं इसमें दिखा देता हूं, आप भी दिखा देंगे। इस प्रकार से ये मैंने एक्सपेंशन गैप को दिखा दिया है। उसके बाद क्या करेंगे, ये जो हमारा कवर है, ये जो कवर इंड एज है, ये इंड एज यहां इसको भी क्या कर देंगे, इस प्रकार से खींच लेंगे। ये इंड एज को हम लोग क्या कर लेंगे, प्लान में इस प्रकार से खींच लेंगे। इंड एज 25 था, 25 को स्केल पर हमने चेंज किया था, लगभग 1.5 mm के बराबर आया था, तो ये लगभग 1.5 mm के बराबर हम लोग क्या कर लेंगे, जगह छोड़ के इसको खींच लेंगे, ताकि इसमें क्या कर सके हम लोग, जो बार्स हैं इनको दिखा सके, ये इस प्रकार से। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद जब इसको सामने से देख रहे हैं तो ये हमारी मेन बार्स दिखाई देंगी, मेन बार्स दिखाई देंगी, तो ये मेन बार्स को हम क्या कर लेंगे, खींच लेंगे। तो मेन बार्स को खींचने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो L/7 है यहां तक आया है, L/7 यहां तक हमारी क्या है, बेंट है छड़े,
तो इसको इस प्रकार से एक हल्की लाइन खींच लेंगे बेंट करने के लिए। अल्टरनेट बेंट है यानी कि एक छोड़ के एक बेंट है, ये इस प्रकार से इसको एक लाइन खींच लेंगे हल्की सी। इस साइड से भी क्या कर लेंगे, एक लाइन खींच लेंगे ये इस प्रकार से। और एक बार इस साइड में बेंट होगी तो दूसरे साइड में नहीं होगी, तो जो बेंट बार होगी ये यहां से लेके यहां तक, इसको हम लोग क्या करेंगे, डॉटेड दिखाते हैं। क्या करते हैं, डॉटेड दिखाते हैं। तो आइए दिखा देते हैं। तो जो हमारी मेन बार्स हैं ये 16 mm डायमीटर की हैं और 200 mm सेंटर टू सेंटर है। तो 200 mm को स्केल पर चेंज करेंगे, 20 के स्केल है हमारा, तो 200 mm है, 200 mm डिवाइडेड बाई 20 विल बी इक्वल टू 10 mm। तो ये 10 mm यानी कि 1 cm के बराबर, ये एक एक सेंटीमीटर पे हम लोग क्या कर लेंगे, इनको बना लेंगे। तो ये एक साइड में मैं बेंट कर रहा हूँ, ये एक साइड में बेंट, जो बेंटअप बार है इसको डॉटेड दिखा रहा हूँ, कहाँ तक, ये जो बेंटअप बार का प्रोजेक्शन है यहाँ तक, और फिर दूसरे साइड में इसको कंप्लीट इस प्रकार से मैं क्या कर दे रहा हूँ, खींच दे रहा हूँ। फिर 1 cm पे दूसरे साइड में क्या होगी, बेंट होगी। अब इस साइड में नहीं, अब दूसरे साइड में क्या होगी, बेंट होगी यहाँ तक, ये इस प्रकार से। तो इस साइड में हम लोग इसको क्या कर देंगे, डॉटेड दिखा देंगे। ये मैंने आपको बताया कि एक साइड में बेंट होगी तो दूसरे साइड में नहीं, देखिए इस साइड में बेंट हुए तो इस साइड में नहीं हुए, ठीक इसी प्रकार दूसरी वाली इस साइड में बेंट हुई तो इस साइड में नहीं हुई, फिर तीसरी इस साइड में बेंट होगी, चौथी इस साइड में बेंट होगी, पांचवी इस साइड में, और कितने एमएम के डिस्टेंस पे, 10 10 mm के, यानी कि 1 1 cm के डिस्टेंस पे ये मेन बार्स को हम लोग लगा देंगे। तो आइए इसी प्रकार से सभी मेन बार्स को हम लोग लगा देते हैं। ये इस प्रकार से हमने क्या किया, जितने भी मेन बार्स हैं इनको एक साइड में बेंट, अल्टरनेट बेंट का मतलब होता है एक एक साइड में बेंट होगी दूसरे साइड में नहीं होगी, यहाँ पे हुई है दूसरी नहीं हुई, तीसरी हुई, चौथी नहीं हुई, पांचवी नहीं हुई, छठी ऐसे ही हुई है। अब जो डिस्ट्रीब्यूशन बार्स हैं इनको हम लोग लगा लेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन बार्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, इन्हीं का प्रोजेक्शन, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन बार्स लगेंगे कुछ नहीं करना है, इन्हीं का प्रोजेक्शन ऐसे इस प्रकार से खींच लेना है, ऐसे ही आप लोग क्या कर लेंगे, खींच लेंगे, कुछ नहीं करना है, इन्हीं का जो ये प्रोजेक्शन है इसी को क्या कर देना है, खींच देना है इस प्रकार से, आप इनको खींच देंगे। तो आइए सभी को इसी प्रकार से खींच लेते हैं। ये इस प्रकार से हमने क्या किया, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन बार्स को प्रोवाइड कर लिया। तो आइए अब इसकी डायमेंशनिंग और हैचिंग जो भी है वो कर लेते हैं, और ये हमारा प्लान इस प्रकार से कंप्लीट हुआ। तो आइए डायमेंशन सबकी खींच लेते हैं और इसकी हैचिंग कर लेते हैं। ये इस प्रकार से आपका जो प्लान है ये कंप्लीट हुआ। आइए मैं फिर से एक बार आपको प्लान के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया,
ये इसमें ये जो दीवारें हैं इनका प्रोजेक्शन खींच लिया, और दीवारों का प्रोजेक्शन खींचने के बाद हमने क्या किया, यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन ऊपर से खींच दिया। उसके बाद ये यहाँ से लेके यहाँ तक लगभग कुछ भी आप ले सकते हैं, मैंने अपने हिसाब से 8 सेंटीमीटर ले लिया है। यहाँ पे कंटिन्यूस किया है, पूरे 8 मीटर को दिखा नहीं सकते, हमारे पास जगह नहीं है, इसलिए हमने क्या किया है कंटिन्यूस कर दिया है। इसका मतलब ये और आगे तक जाएगी, और हमने दिखा दिया कि ये 8 मीटर के बराबर है। उसके बाद हमने क्या किया, ये इसमें हमने हॉरिजेंटल लाइनें खींच दी जो हमारी मेन बार्स हैं, जो हमारी क्या है मेन बार्स हैं, 16 mm डायमीटर की हैं, और कितनी है 200 mm सेंटर टू सेंटर है, कितनी है 200 mm सेंटर टू ये सेंटर है। L/7 पे हमने इनको बेंट किया है, L/7 डिस्टेंस पे क्या किया है इनको बेंट किया है, अल्टरनेट बेंट का मतलब होता है एक दूसरे के बाद एक के बाद एक बेंट है, 200 mm सेंटर टू सेंटर है, और ये डिस्ट्रीब्यूशन बार्स हैं, ये जो खड़ी हैं वर्टिकल हैं ये कौन सी है डिस्ट्रीब्यूशन बार्स हैं जो 250 mm सेंटर टू सेंटर लगी हैं। और इस प्रकार से जो हम लोगों का प्लान है वन वे स्लैब का ये कंप्लीट हुआ। मुझे उम्मीद है आपको पूरी वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे आने वाले किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। और बाकी RCC ड्राइंग के सभी वीडियोस आपको 4th सेमेस्टर की ड्राइंग की जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको मिल जाएंगी, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है आपके 4th सेमेस्टर की ड्राइंग की, उसमें आपको सारी वीडियोज मिल जाएंगी, तो वहां से आप सारी वीडियोज को देख सकते हैं एक एक करके। और थैंक यू।